हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय चैनल। दोस्तों आज ये हमारे पास TRX 2319 है फराना, जिसको आज हम लोग सीखेंगे कैसे ये चलता है, इसमें क्या क्या फंक्शन है। चाहे नया आदमी हो या पुराना आदमी, सबको ये वीडियो देख के आसानी से सीख सकता है। अगर आप पुराने भी TRX नहीं चलाए तो देख लीजिए इसमें क्या क्या फंक्शन है। तो आइए शुरू करें। देखिए ये इसका मॉडल है TRX 2319 स्कॉट का हाइड्रा है। इसका केबिन ये सेंटर में दिया है बीच में, और ये देख लीजिए इसका पीछे का व्यू ऐसा है। ये 2x2 है, 4x4 नहीं है। आइए अंदर देखिए क्या क्या फंक्शन है। दोस्तों देखिए ये इसका डैशबोर्ड है, इसमें ये देख रहे हैं ये एयर प्रेशर का है। ये इसका टेम्परेचर बताता है, टेम्परेचर कितना हुआ। ये RPM मीटर है, कितने स्पीड में हमारी गाड़ी चले वो किलोमीटर प्रति आवर बताता है। यह हमारा बताता है कितना किलोमीटर चल चुकी है। यह हमारा फ्यूल लेवल बताता है। यह हमारा ऑयल प्रेशर के लिए है गेज। यह है RPM के लिए, कितना RPM पे चल रही है गाड़ी, ये दिखाता है। यहाँ पे हॉर्स मीटर दिखाता है इसका। बाकी ये इसका स्विच है कुछ, ये वाइपर का स्विच हो गया, ये पंखे के लिए हो गया क्योंकि पंखा दिया है केबिन में उसको चालू करने के लिए। ये चारों इंडिकेटर एक साथ चलता है इससे। ये हो गया हमारा बैक कैमरा के लिए क्योंकि स्विच से है कनेक्टेड, इसको चालू करेंगे तो देख बैक। और दोस्तों देख लीजिए ये पूरा डैशबोर्ड है इसका आगे का। ये स्टेयरिंग हो गया, और ये इसमें है आपका लाइट डिपर अप डाउन करने के लिए। इसी में आपका हारन भी है, जो कि हारन आपको नहीं दे। इसमें इंडिकेटर भी है, आगे पीछे करेंगे तो इंडिकेटर जलेगा। ये यहाँ पे इसका की है जो कि ये बंद रहता है, ऐसे ऐसे चालू हो जाता है। यह इसका वर्किंग के लिए लीवर दिया है, 3 लीवर होता है इसमें, जो कि अभी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों ये डिस्प्ले है जो कि चालू होने पे बंद हो जाता है। ये आपके गियर हो गया, जो कि 5 गियर की ये गाड़ी है। यहाँ आपका हैंड ब्रेक हो गया। ये आपका दाहिने साइड पे हाई लो के लिए गियर हो गया। इसमें ये क्लच हो गया आपका, बाएं पैर में क्लच होता है, ये तो सबको मालूम है। ये ब्रेक हो गया और ये एक्सीलेटर हो गया। दोस्तों इसको चलाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, पहले गाड़ी को देख लेना है कि हमारा न्यूट्रल में है कि नहीं। गाड़ी को न्यूट्रल में करके फिर हमारा की को ऐसे बंद रहता है, इसको एक बार घुमाएंगे, दो बार घुमाएंगे, और तीसरे बार में ये सेल्फ लेगा, स्टार्ट हो जाएगा। देखिए हमारा गाड़ी स्टार्ट हो गया। फिर हमको अपना ये प्रेशर अगर कम है, देखिए प्रेशर का बार कम से कम 6 पे होना चाहिए, 6 से 8 के बीच में रहेगा तो गाड़ी हमारा आगे जाएगा, नहीं तो हैंड ब्रेक पकड़ के रखता है ब्रेक को, ये आगे नहीं जाने देता है। तो हम पहले प्रेशर बना लें, उसके बाद से क्या करें, हमें क्लच दबाना है और यहाँ पे देख लेना है, अगर हैंड ब्रेक हमारा छूटा हुआ है तभी क्लच दबा के गियर लगाएं। ये हैंड ब्रेक आगे होना चाहिए, पीछे ऐसे रहेगा तो हैंड ब्रेक हमारा लगा हुआ है। यहाँ एक दबाने वाला होता है, देखिए ये, इसको ऐसे दबा के इसको आगे कर देंगे तो हमारा हैंड ब्रेक रिलीज हो जाएगा। फिर हमको क्या करना है, क्लच दबा के 1 नंबर गियर में यहाँ पे गाड़ी को लगा लेना है। फिर हम क्लच को छोड़ेंगे धीरे धीरे तो अपने आप ये आगे जाने लगेगा। देखिए ये तो हो गई चलाने की बात, जैसे जैसे सभी गाड़ियों को चलाया जाता है, ट्रैक्टर हो गया, 4-व्हीलर हो गया, चाहे कोई भी ट्रक टेम्पर, वैसे ही ये भी चलता है सेम। और ये इसका स्टेयरिंग है जो कि प्रेशर वाला स्टेयरिंग है, तो इसको बिल्कुल ही प्यार से घुमाना है, ऐसे जैसे इधर घुमा रहे हैं। अगर इसको ऐसे घुमाना है, झटके से नहीं घुमाना है, नहीं तो ये आवाज़ करता है खटाक खटाक सा। तो ये बिल्कुल ऐसे घुमा रहे हैं तो फिर इसको प्यार से ऐसे शुरुआत करना है, फिर आप जितनी मर्जी तेज़ी से घुमा सकते हैं इसको। बाकी ये हमारा लीवर हो गया, देखिए ये फर्स्ट लीवर हो गया, ये बूम अप डाउन के लिए हो गया, जैसे आगे हम करेंगे तो बूम डाउन होगा। और इसमें एक और फंक्शन है दोस्तों, जब तक हम इसको 2000 RPM दे के लीवर को दबा के नहीं रखेंगे, ये कोई भी हमारा फंक्शन काम नहीं करेगा। तो पहले हमको पूरा एक्सीलेटर 2000 RPM लेना है, फिर लीवर दबाना है, फिर हमारा काम करेगा ये। तो फर्स्ट से देखिए हमारा बूम डाउन हो रहा है, इसी को जब हम पीछे खींचेंगे तो देखिए बूम अप होने लगेगा हमारा। ये दूसरा लीवर है हमारा बूम बाहर निकालने के लिए, देखिए जब हम इसको आगे दबाएंगे तो बूम हमारा बाहर निकलेगा। और दोस्तों इसी लीवर को जब हम अपने तरफ खींचेंगे पीछे की तरफ तो हमारा बूम अंदर होगा, देखिए बूम हमारा अंदर हो रहा है। और ये तीसरा लीवर है, तीसरा लीवर क्या काम करता है, ये हमारा अप डाउन करने के लिए है।
तीसरा लीवर को जैसे हम आगे दबाएंगे देखिए ऐसे, तो हमारा हुक डाउन होगा। इसी लीवर को जैसे हम पीछे खींचेंगे फिर हमारा हुक ऊपर जाने लगेगा। तो दोस्तों यही है तीन लीवर, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपको चलाना है तो क्या करना है, बिल्कुल ठंडे दिमाग से काम को करना है, बिल्कुल आराम से। और दोस्तों काम करते हुए हमें कभी लो गियर में काम करना है अगर नए हैं तो, बाद में तो आप धीरे धीरे सब कुछ जान ही जाएंगे। सबसे पहले हमको गाड़ी पे आने से पहले क्या करना है कि हमें अपना ऑयल लेवल चेक कर लेना है गाड़ी का, बाकी पानी चेक कर लेना है। ऑयल पानी चेक करने के बाद ही हम गाड़ी पे आए, उसके बाद से स्टार्ट करें, फिर हम प्रेशर बना के और हैंड ब्रेक छुड़ा के फिर काम पे लेके जा सकते हैं इसको। बाकी दोस्तों यही है, इसमें ये हाई लो का हो गया गियर, इसको ऐसे आगे कर देंगे तो ये लो गियर में लग जाएगा, इसको ऐसे पीछे खींच देंगे तो हाई में हो जाएगा। बाकी और तो इसमें कुछ खास नहीं है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।